इन दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे चंडीगढ़ T20 लीग का, जो आज के दिन का फर्स्ट मैच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा आपके एडवॉक जोन RKZ और टेरेंस जोन TZ के बीच में। तो कौन होंगे वो 11 प्लेयर्स जो होंगे हमारी फैंटेसी की टीम में, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे। आप अगर डायरेक्टली जाके फाइनल टीम देख लोगे ना, तो वो टीम देखने से आप कभी जीत नहीं पाओगे, विन नहीं कर पाओगे। अगर आपको विन करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं, जो लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखते हैं ना, वो लोगों ने कितना विन किया, एक बार आपको प्रूफ दिखा देते हैं। नहीं तो आप मानोगे नहीं, तो आपको डायरेक्टली प्रूफ ही दिखा देते। चलिए बात करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं जिन लोगों ने, जिन यूज़र्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उन लोगों ने कितना विन किया, कितना उनकी विनिंग्स है, आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। सुमित ने लिखा, क्या लिखा भाई, आपकी टीम से मैंने 55,000 जीत गया, थैंक यू। इन्होंने 55,000 विन किया, क्यों किया, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, प्लस इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। दोस्तों गोडविल गेमिंग लिखते हैं, आपके जैसा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देने वाला कोई नहीं है सर, आपके वीडियोस में पूरा देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, आपके वीडियोस में रोज़ देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, मैं 290,000 जीत गया सर। वाह, क्या विनिंग है दोस्तों, 290,000 दोस्तों एक ही दिन में इन्होंने विन कर लिया। क्यों किया, इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए जीता। इन्होंने लिखा, मैंने कल मिनी ग्रैंड लीग क्लीन स्वीप किया सर, 2,00,000 तक विनिंग कर लिया मैंने। इन्होंने भी 2,00,000 विन कर लिया। अजय कुमार लिखते ओसम सर, मैंने 1,00,000 विन किया IPL में आपकी टीम से। देखिए इन्होंने 1,00,000 विन किया दोस्तों, 1-2,00,000 विन करे, 1-2,90,000, इन्हें 1,55,000। तो देखिए कितनी ज़्यादा विनिंग्स कर रहे हमारे मेंबर्स, हमारे यूजर्स दोस्तों। वाव, मज़ा आ गया, आपके टेलीग्राम वाली टीम से 19,000 जीत गया। देखो वो लोग, देखिए इन्होंने 19,000 जीत गया, क्यों जीता इन्होंने 19,000, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम से जुड़े थे ना दोस्तों, इसलिए इन्होंने 19,000 रुपये जीता। अगर ये टेलीग्राम से नहीं जुड़ते, वो नहीं जीत पाते, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारी टीम आती है, टेलीग्राम टीम से इन्होंने खेला और जीत गए। यहाँ पर इन्होंने लिखा, मैं रोज़ 10-15,000 जीतता हूँ। देखिए ये रोज़ हमारे टीम टेलीग्राम वाले टीम से खेलते और 10-15,000 जीतते। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको तसल्ली ना हो देख लीजिए, इन्होंने खुद लिखा है, हमारे यूजर्स ने खुद लिखा है ये। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको हमारे यूजर्स की विनिंग्स दिख जाएंगे। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम कहाँ मिलती है, इतनी तगड़ी टीम मिलती है आपको टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, ये जो है ना, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो पहला जो लिंक है ना दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा ले, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वही हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा। इस लिंक पर आपको टैप करना है, आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे, जो कि है ये UDCRI10, इस पर डायरेक्टली लेके आएगा। आपको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक इस जगह पर जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ताकि आपको रोज़ाना हर एक वीडियोस की अपडेट्स, हर एक टीम फाइनल टीम देखिए फाइनल टीम इसी तरह आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा आपको, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर टैप करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, नहीं तो आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स कैसे मिलेगी, वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिलेगी आपको। और एक लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो को,
शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो मस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी बात करते हैं मैच। इनकी तरह आपको भी जीतना है ना, तो आपको तीन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहले तो आपको हमारे पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना पूरा वीडियो देखना। सेकेंडली आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और तीसरा आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, जहाँ पर हम अपनी फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक होगा, वही होगा आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक। यह चीज़ याद रखना। चलिए बात करते हैं मैच की। अगर पहले मैच पे चलते हैं, क्रिएट टीम पे जाएंगे, उसके बाद सिलेक्टेड बाय में जाएंगे। पहले रॉक जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इनका पिछला मैच एक बार चेक कर लेते हैं ना, रॉक जोन का। ये रहा इनका पिछला मैच। इनकी बैटिंग की बात करें, ये टीम 122 पर ऑल आउट हो गई थी दोस्तों। ओपोनेंट ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो चले कौन, शिवम बम्बई ओपनिंग कर रहे हैं हनूर सिंह के साथ, फिर संचूर साहू, फिर कालिया, फिर कुणाल महाजन, फिर रमन बिश्नोई, फिर हरीश कुमार, फिर नियन धालीवाल दोस्तों, फिर भरद्वाज, सागू और शिवखंड। कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, चार चार ओवर कर रहे हैं आपके पी सागू ने, चार ओवर किया, फिर एस शिवखंड ने तीन ओवर किया, भरद्वाज ने तीन ओवर किया, कालिया ने तीन ओवर, धालीवाल ने दो ओवर और हरीश कुमार ने दो ओवर बॉलिंग किया दोस्तों। तो हमारे टीम में कौन होंगे, हमारे टीम में जो लोग जो बॉलर्स चार चार ओवर करेंगे वो तो हम पक्का ले लेंगे। एक तो धालीवाल, भरद्वाज, सागू और धालीवाल, ये तीन तो मस्ट पिक होंगे हमारे टीम में। कौन, कालिया सॉरी धालीवाल, सागू और भरद्वाज। क्यों, तीनों ने चार चार ओवर बॉलिंग किया दोस्तों। और एस धालीवाल की बात करिए, आपको ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिख जाएंगे आज के मैच में, तो इसलिए हम इनको पिक कर रहे हैं। धालीवाल को लिया, सागू को लिया, भारद्वाज को लिया, ऐसे कालिया और शिवखंड में से किसी एक को साथ लेंगे हम। पर पहले संचित साहू को ले लेते हैं, जो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। पर हम क्योंकि हमें बैट्समैन तो चाहिए ना अपनी टीम में, तो इसलिए इनको ले लेंगे। बात करें बैटिंग की, हम यहाँ से हरनूर सिंह को अपनी टीम में रखेंगे। हरनूर सिंह हमारे टीम में आ चुका है। तो ये पांच प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए। तो अगर आपको सिक्स्थ प्लेयर लेना हो ना, तो आप किसको लेंगे, आप के कालिया के साथ जाना डायरेक्टली, मैं बोलूँगा के कालिया के साथ जाना आप, जो कि है ये। तो ये छः प्लेयर्स हो गए इंपॉर्टेंट। अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना हो ना, तो मैं यहाँ से शायद मैं धालीवाल को ड्रॉप कर दूँ, पर मैं ड्रॉप शायद करूँगा नहीं, क्योंकि धालीवाल इस टीम के बहुत ही एक रिलायबल ऑलराउंडर है। जब भी टीम फंसेगी ये काम करेंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। तो ये छः प्लेयर्स वहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए। आप एक बार देख लीजिए प्रीव्यू, यहाँ से साहू, हरनूर सिंह, फिर के कालिया, धालीवाल, पी सागू व शरद भारद्वाज, ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इस टीम से। तो बात करें दूसरी टीम की, जो कि टेरेंस जोन की टीम, इससे कौन कौन प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनका पिछला मैच एक बार देख लेते हैं। कहा है ये रहा इनका पिछला मैच। तो इनकी टीम ने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। इनकी ओपनिंग जो कर रहे हैं वो है गर्ग, तरनदीप सिंह के साथ, फिर अरिजीत सिंह, आर एफ, चैतन्य शर्मा, बी लातेर, फिर सुभाना लवाना, अमृत लवाना, फिर निखिल शर्मा, फिर निपुण, फिर आर्यन, फिर रविंद्रपाल सिंह, फिर आपके मनदीप सिंह। कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, रविंद्रपाल सिंह आपको चार ओवर फेंकते हुए दिख जाएंगे, फिर लातेर ने चार ओवर किया, मनदीप सिंह ने चार ओवर किया, तरनदीप सिंह ने तीन ओवर, लुभाना ने तीन ओवर और दुग्गल ने दो ओवर किया है ना। यहाँ से आपके तरनदीप सिंह दोस्तों, तरनदीप सिंह ने बॉलिंग किया ना, तरनदीप सिंह ने बॉलिंग किया दोस्तों, तरनदीप सिंह मेरे टीम में आ जाएंगे। तरनदीप सिंह जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्म करेंगे ना, इसलिए तरनदीप सिंह मेरे टीम में आ जाएंगे, जगह बन जाएगी इनकी। ए गर्ग और अरिजीत सिंह, ए गर्ग तो बॉलिंग कर नहीं रहे दोस्तों मेरे टीम में, ए गर्ग की जगह नहीं बन पाएगी, अरिजीत सिंह को मैं ड्रॉप करूँगा। चैतन्य शर्मा दोस्तों, ये बॉलिंग तो करते हैं पर इनको बॉलिंग दिया नहीं गया पिछला मैच में। निखिल शर्मा और निपुण शारदा क्या कर रहे हैं, निखिल शर्मा आपके बॉलिंग नहीं कर रहे, एन शारदा भी आपके बॉलिंग कर नहीं रहे। तो यहाँ से आर्यन, दुग्गल और रविंद्र पाल सिंह और दुग्गल दोनों बॉलिंग कर रहे हैं, पर मेरे टीम में रविंद्र पाल सिंह होंगे, दुग्गल को मैं शायद ना लूँ, रविंद्र पाल सिंह को लूँगा। बी लातेर को मैं अपनी टीम में पक्का रखूँगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मनदीप सिंह भी मेरे टीम में होंगे। कहाँ है मनदीप सिंह, ये रहे। तो ये 10 प्लेयर्स हो गए इंपॉर्टेंट इस टीम से। अगर 11वां प्लेयर हमें लेना पड़े ना, मैं यहाँ से जाऊँगा, पता है किसके साथ, मैं दुग्गल के साथ जाऊँगा दोस्तों। मैं गर्ग को नहीं लूँगा, मैं दुग्गल के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे रिस्क होंगे दोस्तों, जो अगर चल गए तो चांद तक, नहीं तो
फर्श तक दोस्तों। अगर ये चल गए आपको क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये नहीं चले तो आपका एक एवरेज सा गेम ही जाएगा, जो जैसा मतलब 50-50 गेम जा सकता है। अगर ये चल गए तो आपको मिनी ग्रैंड लीग तक विन कर जाएंगे इस टीम से, ये चीज़ याद रखना। तो सी और वीसी कौन बनेंगे? सी और वीसी की बात करें, मेरे कैप्टन जो होंगे ना, मैं सेफ जाने की कोशिश करूँगा। मैं आरपाल सिंह, जैसे टी सिंह, इन दोनों को मैं शायद सी और वीसी बना दूँगा, जैसे एच सिंह को शायद मैं कैप्टनसी बदलूँ। तो मेरे कैप्टन जो होंगे ना, मैं तरनदीप सिंह होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ओपनिंग कर रहे और तीन ओवर बॉलिंग कर रहे दोस्तों। एक बॉलर जो तीन ओवर बॉलिंग कर रहे और ओपनिंग कर रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे कुछ लगता नहीं कोई होंगे। ऐसे मैं आरपाल सिंह को एज ए वाइस कैप्टन अपनी टीम में रख लूँगा। तो ये बन गई हमारी टीम। तो आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, मैंने साहू को लिया है, एच सिंह, टी सिंह, दुग्गल, कालिया, लातिर, एन धालीवाल, आर पी सिंह, सागू, भारद्वाज और एम सिंह। बाकी जो भी चेंजेस हो ना आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहला लिंक मिलेगा वही है टेलीग्राम चैनल का लिंक। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करोगे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे, अब कभी जीत नहीं पाओगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।